विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा अल्बर्ट एका चौक से लेकर पूरी राजधानी में जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी शामिल हुए। मौके पर सभी आदिवासियों ने एकजुटता और आदिवासी जागरूकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड जल जंगल जमीन का प्रदेश है और आदिवासी इनका रक्षा कर अपना जीवन यापन करते हैं। आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को UNO के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार के आने के बाद आज 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। वहीं हेमंत सरकार को सभी ने बधाइयां देते हुए कहा, झारखंड में आदिवासियों के लिए अभी और कुछ करने की जरूरत है। झारखंड में अभी जमीन लूट का मामला चरम पर है। सभी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि जमीन लूट पर विशेष कार्रवाई करे। वहीं सभी ने जनगणना में अलग सरना कोर्ट की मांग की। इस दौरान मधु मंसूरी ने अपने गीतों के माध्यम से आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई संदेश दिया है। लेकिन 20 साल बाद
आजादी का हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और जन्म का 21वां वर्ष में पावदान हम रखे हैं, लेकिन क्या स्थिति है आम लोगों को? मुझे लगता है सरकार को यहाँ के लोगों को प्रमोट करने का स्कीम लाना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि स्कीम नहीं आ रहा है, यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्कीम तो आ रहा है, लेकिन वो आदिवासी उन बात की इतना हमारे लोग तो उन प्रोजेक्ट से खाली स्थापित हो रहे हैं। एक बार आपकी मेरा भाई है कि हमारे भी एक महान गायिका गाने का अपने आप में इच्छुक रख रहे हैं, सब लोग आप लोग एक बार की जिंदाबाद।